आज आखिरकार रांची को एक सुसज्जित और व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर मिल ही गया और बहुत सारी इसमें सुविधाओं के साथ हमारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को यहां पर सुविधाएं मिलेंगी और अभी बहुत सारी सुविधाएं इसमें जुड़नी है लगातार। आज तो ये शुरुआत हुआ है और ये चलते चलते बहुत सारा चीज गतिविधि के अनुरूप इसमें जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा और इसमें नए आयाम जोड़े जाएंगे। लेकिन विशुद्ध रूप से आज ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों का एक परमानेंट ठिकाना हो, आए दिन शहरों में बसें गली कूचे में जाती है, सकरी सकरी रास्ते, पतले पतले सड़कों पर कई असुविधाएं होती हैं। अब इस जगह पर सभी चीजों की व्यवस्था होगी, जहां बस चलाने वाले या फिर किसी सामान के आवागमन को लेकर ना आम नागरिक को दिक्कत होगी, ना ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी। मैं ये समझता हूं ये आने वाला समय में, अभी तो ये अकेला एक बंजर सा, इसके अगल बगल का क्षेत्र दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही जल्द अगर हम सब लोगों के सहयोग और गतिविधियां यहां हम लोगों ने प्रारंभ की, तो जैसे मेन रोड और कचहरी को किस तरीके से चहल पहल देखते हैं, जगमगाते देखते हैं, उसी तरीके का ये सुकुर गुट्टो एरिया भी हो जाएगा। और शहर के विस्तार के लिए ये ट्रांसपोर्ट नगर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यूं कहिए ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस जगह से आम लोगों का राज्य के अलग अलग कोने, देश के अलग अलग कोने में आने जाने का भी व्यवस्था होगी, सामानों को लाने ले जाने की भी व्यवस्था होगी, तो तरह तरह की गतिविधियां होंगी। अब यहां से छोटी छोटी गाड़ियों में छोटे छोटे सवारी जैसी गाड़ियों में सामान लाद लाद कर शहर के अंदर ले जाया जाएगा और जो बड़े बड़े बस, बड़े बड़े ट्रक आए दिन आप देखते होंगे, मैंने ये बात भी अनुभव किया है कि अलग अलग राज्यों से जो ट्रकें आते हैं, बसें आती हैं, अक्सरा शहर में रास्ते भुला जाते हैं, जाना होता है रातू रोड, चले जाते हैं बरियातू रोड, तो बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों को भी रास्ता ढूंढने में। लेकिन ये ऐसा पिन पॉइंट स्थान होगा जहां रांची के लोग भी नहीं भूलेंगे और जो यातायात, जो बसें हैं, ट्रकें हैं, वो भी सीधे तौर पर आसानी से यहां पर आ जाएगी और उनके ठहरने के लिए भी यहां व्यवस्था की गई है, जो मुझे बताया गया है।
और भी आवश्यकता होगी तो वो भी किया जाए। इसीलिए आज के इस शुभ अवसर पर इस क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को और ट्रांसपोर्ट भाइयों, ट्रांसपोर्ट करने वाले सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार।